तो कितनी गाढ़ी है ये हमारी चना दाल कढ़ी की रेसिपी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल कढ़ी, तो चलिए बना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग 150 ग्राम के आसपास चना दाल को भीगने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे। इसे हम एक मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ी सी दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो मिक्सी जार में हम डाल के थोड़ी सी पानी डाल देंगे। उसके बाद फाइनली हमारा ये देखिए हमने कुछ इस प्रकार से इसका पेस्ट तैयार किया है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा दरदरा पीसेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस चलेंगे, एक कढ़ाई लेंगे हम फ्रेंड, उसमें तेल डालेंगे। उसके बाद एक छोटी चम्मच खड़ा जीरा और 2 सूखी मिर्च हम ऐड करेंगे। और इसे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे प्याज डालेंगे। प्याज हमने 2 मीडियम साइज का लिया था, तो प्याज को भी हम इसे अच्छे से चला के इसे कवर करके पकाएंगे। तो हम इसे कवर किए हैं, तो कवर करने के बाद फिर हम ढक्कन हटा के इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब चलाने के बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से इस स्टेज पे हम यहाँ पे अदरक डालेंगे। अदरक हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा को अच्छे से घिस लिया है, और घिसने के बाद हम इसे डाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर हमने 1 बड़े साइज का लिया है, उसे कुछ इस प्रकार के शेप में काट के इसे अच्छे से हम यहाँ पे डाल के मिलाएंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स चना दाल कढ़ी की रेसिपी, तो बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद लगेगा। नॉर्मली आपने बेसन का कढ़ी खाए होंगे, लेकिन इस प्रकार से चने दाल का कढ़ी आप नहीं खाए होंगे। तो इस प्रकार से अपने घर पे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है। इससे पहले आप शायद इस प्रकार से नहीं खाए हों। तो अब हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच के आसपास, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर हमने लगभग 1.5 चम्मच के आसपास इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और ये थोड़ी सी सब्जी मसाला, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें। मैंने थोड़ी सी कलर के लिए यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स, जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भून ना जाए। तो इसे थोड़ी सी पानी डाल के हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है फ्रेंड्स, बिल्कुल तेल अलग हो गया है, तेल ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मसाला कितना बढ़िया हमारा तैयार हुआ है। तब हम यहाँ पे ये देखिए, और मसाले का कलर आप देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। तो इसी स्टेज पर फ्रेंड्स हम जो हमने दाल को पेस्ट बना के रखा है यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पेस्ट किए हुए दाल को डाल देंगे। आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये रेसिपी चना दाल का बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे आप कोई भी दाल का बना सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन चना दाल का फ्लेवर कुछ अलग होता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप चना दाल का ही कोशिश करें कि इस प्रकार से बनाएं। तो डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स, और इसे लगातार इस प्रकार से चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो है ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी अच्छे से मसाला भी भुन गया है, और ये हमारा पेस्ट किया हुआ दाल भी अच्छे से भुन गया है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसका भून के कच्चापन निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे भुनने के बाद पानी ऐड कर लेंगे। आपको ग्रेवी जिस प्रकार से रखनी हो उस प्रकार से आप इसे रख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ये जो पेस्ट डालेंगे आप उसे भी लगभग 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी बनी है। तो ये फाइनली हमारा चना दाल ग्रेवी की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स।
तो है ना बिल्कुल लाजवाब। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है हमारी। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी अपने घर पे इस प्रकार की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।